बड़े मियाँ छोटे मियाँ ईद के दिन 10 अप्रैल को रिलीज होने वाला है। ट्रेलर में विलेन का चेहरा छुपा के रखा है। विलेन का नाम तो पहले ही अनाउंस कर चुके हैं। चेहरा छुपा के रखने से क्या एक्साइटमेंट ज्यादा होगा? साउथ फिल्म स्टार पृथ्वीराज सुकुमारन है विलेन। अगर चेहरा छुपाना है तो नाम पहले क्यों अनाउंस किया? क्या इससे क्यूरियोसिटी बढ़ेगा? क्या थिएटर में लोग ज्यादा आएंगे? अक्षय कुमार बैक टू बैक फिल्में फ्लॉप दे रहा है। क्या डायरेक्टर को दूसरा कोई एक्टर नहीं मिला? अक्षय कुमार के फिल्में देख देख के लोग थक गए हैं। इतने बड़े बजट का फिल्म में फिर से अक्षय कुमार को कास्ट किया है। भले ही इसमें एक्शन थोड़ा एडवांस करके दिखाया गया हो, लेकिन चेहरा तो वही। जिस फिल्म में अक्षय का चेहरा है फ्लॉप हो रहा है, डिजास्टर हो रहा है। अक्षय कुमार का एक्टिंग लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, लोगों को सिनेमाघरों में खींच नहीं पा रहा है। डायरेक्टर ने 350 करोड़ रुपए खर्चा किया है। इतनी बड़ी बजट की फिल्म में अक्षय कुमार को कास्ट करने का कारण क्या है? अक्षय कुमार की पिछले साल 2023 की दो फिल्में मिशन रानीगंज और सेल्फी दोनों ही डिजास्टर रहा। डायरेक्टर टीनू सुरेश देसाई और राज मेहता दोनों ने खर्चा नहीं निकल पाए। ऐसे हालात में प्रोड्यूसर जेकी भगनानी, वासु भगनानी, दीपशिखा देशमुख, अली अब्बास जफर, हिमांशु किशन मेहरा, इन सारे प्रोड्यूसर्स को लीड एक्टर कास्टिंग के लिए थोड़ा सोचना चाहिए था। इतना ही नहीं, 2022 में अक्षय कुमार ने 4 फिल्मों में काम किया है। रामसेतु, रक्षाबंधन, सम्राट पृथ्वीराज और बच्चन पांडे, ये चारों फिल्में फ्लॉप रहा, डिजास्टर रहा, यानी डायरेक्टर ने खर्चा भी नहीं निकल पाए। टाइगर श्रॉफ ने 10 फिल्मों में काम किया है, दो रहा हिट फिल्में और 3 फिल्में सेमी हिट रहा। सोनाक्षी सिन्हा को कास्ट किया गया है। सोनाक्षी ने 15 फ्लॉप दे चुकी है, उनका एक सेमी हिट फिल्म रहा, 2 एवरेज, 2 सुपर हिट। सोनाक्षी सिन्हा ने अक्षय कुमार के साथ पहले भी कई सारे फिल्मों में काम किया है। मिशन मंगल, हॉलीडे, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा, रावड़ी राठौर और जोकर। रावड़ी राठौर छोड़ के बाकी सारे फिल्में फ्लॉप रहा। मानुषी चिल्लर को भी इसी में कास्ट किया गया है। मानुषी चिल्लर ने सम्राट पृथ्वीराज में अक्षय कुमार के साथ ऑलरेडी काम कर चुकी है। द ग्रेट इंडियन फैमिली एंड ऑपरेशन वैलेंटाइन, ये सारे के सारे फिल्में फ्लॉप रहा। इस फिल्म में आलाया फर्नीचर वाला दिखने को मिलेगी। आलाया ने जवानी जाने मन, फ्रेडी, ऑलमोस्ट प्यार विद डीजे मोहब्बत और यू टर्न, ये सारे फिल्मों में काम कर चुकी है। क्या आपको पता था? स्टार किड जानवी कपूर को भी इसमें कास्ट करने वाले थे, लेकिन फिलहाल ये फिल्में है नहीं। इसको निकाल के कुछ तो अच्छा किया होगा, नहीं तो सारे फ्लॉप एक्टर एक्ट्रेसेस एक ही फिल्म में दिखने को मिल जाता। आज के लिए बस उतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।